हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 7 चैप्टर्स 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की बात करने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स आप लोगों को नेक्स्ट लेवल तक भी काम आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक को कंसिडरेशन करना है। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज अ फ्रैक्शन, व्हाट इज अ डेसिमल्स, व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज अ इंप्रॉपर फ्रैक्शन एंड लास्ट हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये फाइव टॉपिक्स आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि डेसिमल्स क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है, इंप्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा एक्सरसाइज आप इजीली कर पाओगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए बेसिक। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों का स्टूडेंट्स फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम राइट करते हैं 4/2, ओके, मींस अपॉन में जो डिजिट आपको दी गई हो स्टूडेंट्स, वही आपकी क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। इसके आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे हम राइट करें 8/9। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि जो भी डिजिट आपकी आ रही है वो किस में आ रही है, अपॉन में आ रही है, ठीक है। या फिर आप राइट करो 2/3, मींस आप कुछ भी राइट कर सकते हो, ये आपका फ्रैक्शन में भी होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन में आपका एक मिक्स फ्रैक्शन भी आता है, उसके एग्जाम्पल भी आप इस फॉर्म में राइट करते हो, ठीक है, वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब आपका फ्रैक्शन है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट सेकेंड डेसिमल। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने डेसिमल की, कि डेसिमल्स क्या होते हैं। ओके, तो आप लोगों ने बच्चों, ठीक है, पॉइंट वाले देखे होंगे नंबर्स, जिसे हम राइट कर रहे हैं 4/8, ओके, या फिर 3/9, या फिर 5/2। मींस आप कोई भी पॉइंट वाली जो डिजिट होगी वो आपकी डेसिमल में काउंट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, क्या आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को जो सम्स में दिया गया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जैसे कि यहां पे हम राइट कर रहे हैं 4/3, ठीक है, तो ये जो ऊपर की डिजिट होती है जिसे हम न्यूमिटर्स कहते हैं स्टूडेंट्स, और नीचे की जो डिजिट होती है उसे हम डिनोमीटर्स कहते हैं। जब आपका जो न्यूमिटर्स है, मीन्स ऊपर वाली जो डिजिट है वो लार्ज हो और डिनोमीटर जो हो आपका स्मॉल हो, मीन्स छोटा हो, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम राइट करें स्टूडेंट्स 5/2, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि ऊपर वाली जो डिजिट है वो आपकी लार्ज है और डिनोमीटर जो है वो आपका स्मॉल है। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम राइट करें 48 और यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं 9, तो यहां पर भी आप देख रहे हो जो न्यूमीटर से मीन्स ऊपर वाली डिजिट है वो आपकी लार्ज है और जो डिनोमीटर्स में दिया है या फिर अपॉन में दिया है वो आपकी स्मॉल है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में है। सिंपल लैंग्वेज में हमें याद रखना है, जब ऊपर वाली डिजिट आपकी स्टूडेंट लार्ज हो और नीचे वाली डिजिट आपकी स्मॉल हो, तो वो सब आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट होते हैं। अब 4 नंबर का हम देखेंगे स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चलिए अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। जिस प्रकार से हमने प्रॉपर में क्या देखा स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाली डिजिट होती है वो लार्ज होती है, तो इसमें इसका अपोजिट हो जाता है। यहां पे ऊपर वाली डिजिट आपकी स्मॉल होती है और नीचे वाली डिजिट आपकी लार्ज होती है, तो ये आप लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट कहा जाता है। तो जैसे हम राइट करें 5/9, तो आप देख रहे हो ऊपर वाली जो डिजिट है 5 वो स्मॉल है और नीचे वाली डिजिट आपकी कैसी है, हाईएस्ट। अब हम देख रहे हैं 5/10, तो यहां पर भी आप देखो 5 जो आपका है न्यूमीटर्स में वो स्मॉल दिया है और डिनोमीटर्स में आपको हाईएस्ट वैल्यू दी है, मतलब 10 वैल्यू दी है, मीन्स उससे ज्यादा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब हमारा लास्ट रहेगा स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन।
ठीक है, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें पता होना चाहिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इस प्रकार की डिजिट आप लोगों ने देखी होगी स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर मैंने लिखा 4, 2 अपॉन 3, ठीक है। तो इस प्रकार की जो डिजिट आती है उसे हम क्या कहते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद हम राइट करें जैसे 8, 9 अपॉन 2, मीन्स आप कुछ भी डिजिट इस प्रकार की जब राइट होगी तो समझ लेना वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम राइट करें 9, 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आप लोगों के मिक्स फ्रैक्शन में काउंट किए जाते हैं। अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम्स होगी कि सर मिक्स फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। ओके, मान लीजिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन से आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, चलिए वो भी हम एक एग्जांपल अब देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ लीजिए और याद रखिए, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए 4 अपॉन 3 आपको दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, 4 अपॉन 3। अब 4 अपॉन 3 का हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे इजी ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है मीन्स न्यूमेरेटर में दिया है उसे हम कहाँ राइट करेंगे, अंदर, और नीचे दिया गया उसे हम राइट करेंगे बाहर। तो 3 के टेबल में 4 आता है नहीं स्टूडेंट, 3 1 जा 3, ओके, यहाँ राइट कर दिया, 4 में से 3 गया तो आपका रिमेनिंग कितना बचा, 1। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि जिससे आपने डिवाइड किया है, ठीक है, 3 से, तो 3 को हम राइट करेंगे नीचे मीन्स डिनोमीटर में, ठीक है। ऊपर आपका कितना बचा स्टूडेंट्स, देखिए 1, तो यहां पर हम राइट करेंगे 1, और रिमाइंडर जिसे कहा जाता है वो आपका भी 1, तो यहां पर भी राइट करेंगे 1। ओके, तो आप इसको काउंट कर सकते हो, देखिए 3 1 जा 3, 3 में आप 1 प्लस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। कैसे, देखिए 3 जो लिखा है 4 अपॉन 3, तो पहले 3 नीचे राइट कर लीजिए, ओके। अब 3 के टेबल में 4 आता तो नहीं, 3 1 जा 3, और 4 में से 3 गया तो आपका कितना रिमेनिंग बचा स्टूडेंट्स, 1। तो इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया है कि किस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन फाइंड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें राइट हुआ है 2 - 3 अपॉन 5। तो स्टूडेंट इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसे इसी ट्रिक के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चलिए कैसे करना है, चलिए देखिए। आपको पता होगा, देखिए ये ओनली डिजिट दिया है 2, और यहां पर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इससे देखकर आप समझ में तो आ गया होगा कि कौन सा फ्रैक्शन है। 3 अपॉन 5 मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो आपका डिनोमीटर लार्ज है और न्यूमीटर स्मॉल है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम क्या राइट कर देंगे, 1, ठीक है, माइनस का माइनस, और 3 अपॉन 5 ये आपको दिया गया है। अब इससे अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं, कुछ लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसी ट्रिक के साथ समझा देता हूं। आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए किस प्रकार से करना है मैं यहाँ पे समझा रहा हूं आपको। जैसे यहाँ पे राइट है आपका 2 अपॉन 1 - 3 अपॉन 5, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को 3 के साथ करना है, उसके बाद नीचे वाले को नीचे के साथ करना है। मीन्स देखिए 2 5 जा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10, माइनस का माइनस, और 1 3 जा 3, ओके, और 1 5 जा 5। समझ में आया आपको कैसे करना है, 2 को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और 1 को करेंगे 3 से। तो देखिए 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, और 1 5 जा 5। समझ में आ गया आप लोगों को स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे, देखिए 2 को 5 से किया तो आपका आया 10, माइनस 1 को 3 से किया तो 3 आ गया, और 1 को 5 से किया तो 5 आ गया। चलिए बच्चों अब देखेंगे 10 में से 3 गया स्टूडेंट्स, तो आपका बचा है 7, और नीचे आपका है 5।
कभी कभी स्टूडेंट्स आप लोगों को इस फॉर्म में आंसर दिया गया होता है, ठीक है, और कभी कभी आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मिक्स फ्रैक्शन हम उसी का कर सकते हैं जब आपका न्यूमिटर्स कैसा हो स्टूडेंट, लार्ज हो और डिनोमिटर स्मॉल हो, मीन्स आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया हो। चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर क्या दिया गया है, फाइव, तो यहां पे हम राइट कर देंगे फाइव। अब हमें देखना है कि फाइव के टेबल में सेवन आता है स्टूडेंट, नो, तो फाइव बन जा फाइव, क्लियर। अब सेवन में से फाइव जाएगा स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग कितना आपका बचेगा, टू। तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो गया इसका आंसर, जिसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप अगर इस फॉर्म में भी करोगे तब भी आपका राइट है, बट ये कर देते हो तो और ज्यादा बेटर है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, यहां पर भी देखिए फोर है, तो इसके नीचे हम राइट कर देंगे बच्चों वन प्लस सेवन अपॉन एट। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मीन्स फोर को हम एट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वन को सेवन से करेंगे, देन आफ्टर वन को हम एट से करेंगे। तो देखिए फोर एट जा थर्टी टू प्लस वन सेवन जा सेवन, समझ में आया स्टूडेंट्स। उसके बाद वन को एट से करेंगे तो वन एट जा एट होता है। देखिए सेवन और टू नाइन, थ्री का थ्री, एंड अपॉन में आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स एट। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि ये आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, बिकॉज न्यूमिटर्स इसमें भी आपका लार्ज है और डिनोमिटर आपका स्मॉल है। तो इससे कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए, सबसे पहले हम राइट कर देंगे यहाँ पे एट। समझ में आया क्यों राइट किया, बिकॉज यहाँ पे एट जो लिखा है वही आपको यहाँ राइट करना है। अब एट के टेबल में देखना है थर्टी नाइन आता है, तो देखिए स्टूडेंट एट फोर जा, एट फोर जा आपका होता है थर्टी टू, एट फोर जा थर्टी टू, सो थर्टी नाइन में से थर्टी टू जाएगा तो रिमेनिंग आपका हो जाएगा स्टूडेंट सेवन। आप चाहो तो इसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, चलिए कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप। जैसे यहां पर हम राइट करें थर्टी नाइन, यहां पे हम राइट करेंगे बच्चों एट, तो देखिए एट के टेबल में थर्टी नाइन नहीं आता है तो फोर टाइम्स में आपका आएगा थर्टी टू, तो रिमेनिंग आपका बचा यहाँ पे सेवन। तो यहाँ पे देखिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हम राइट करते हैं नीचे मिस डिनोमीटर में, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर बचा है उसे हम राइट करते हैं ऊपर, और जिस जो लास्ट में यहां पर होता है उसे हम राइट करते हैं यहां पर। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थ्री देखेंगे, यहां पर आप ऑलरेडी देखिए फ्रैक्शन में दिया गया है थ्री अपॉन फाइव प्लस टू अपॉन सेवन। देखिए थ्री अपॉन फाइव ये आप लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, टू अपॉन सेवन ये भी आप लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए थ्री सेवन जा, तो थ्री सेवन जा आपका होता है स्टूडेंट्स ट्वेंटी वन, प्लस फाइव टू जा टेन, एंड अपॉन में आपका आ जाएगा फाइव सेवन जा थर्टी फाइव। ओके, तो देखिए वन और जीरो वन हो गया आपका, टू और वन क्या हो गया आपका थ्री, अपॉन में थर्टी फाइव। तो यहां आप देखोगे स्टूडेंट्स ये आप लोगों को जो दिया गया है थर्टी वन अपॉन थर्टी फाइव, ये आप लोगों को स्टूडेंट्स दे दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और मैंने कहा था जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हो तो इससे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। देखिए तो हम क्या करेंगे, 35 को बाहर लिखेंगे और 31 को अंदर लिखेंगे। तो आपको भी पता होगा 35 के टेबल में 31 आता नहीं है, इसलिए इसको यही स्टॉप कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन फोर आपको दिया गया है यहाँ पे, नाइन अपॉन इलेवन माइनस फोर अपॉन फिफ्टीन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आप लोगों को अगर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम्स आती है तो आप अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहां पर आप देखोगे बच्चों कि आप लोगों का क्वेश्चन है नाइन अपॉन इलेवन और फोर अपॉन फिफ्टीन, तो नाइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन से। तो देखिए फिफ्टीन मल्टीप्लाई नाइन तो आप लोगों का आ जाएगा 135, ठीक है। उसके बाद 11 मल्टीप्लाई 4, तो देखिए 11 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 4, तो आपका आ जाएगा 44, क्लियर। एंड लास्ट में हम 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो वो भी हम कर ले रहे 11 मल्टीप्लाई 15। तो देखिए 15 बन जा 15 की 5, 1 आपकी कैरी, 15 बन जा 15 एंड 1, तो
तो आपका कितना हो जाएगा 60, मतलब हो जाएगा आपका 165। चलिए अभी से पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए 9 को मल्टीप्लाई किया 15 से, तो आप लोगों का आ गया स्टूडेंट्स कितना 135 माइनस, फिर उसके बाद 11 को हम 4 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11 4 जा 44, तो यहां हम राइट करेंगे 44, फिर हम राइट करेंगे। चलिए ओके, अब 11 को मल्टीप्लाई 15 से किया तो देखो 11 को 15 से करेंगे तो आपका आएगा 165, तो इसे राइट कर देंगे 165। क्लियर। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स तो रिमेनिंग आपका आएगा 1, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 और नीचे आपका आ जाएगा 165। तो यहां पर भी आप देखिए ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते नहीं हो। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन नंबर 5 जब ही आएगा जब आपको एलसीएम आते होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एलसीएम किस प्रकार से फाइंड करते हो वो आपको मैं दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हो, लेकिन यहां पर भी मैं आपको समझा देता हूं। चलिए देखिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 डिजिट वाले समझते कि यहां पर आपको 3 डिजिट वाले दिए गए हैं, तो 3 डिजिट वाले कैसे सोल्व करेंगे वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको दिया 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ओके, तो आप लोगों को यहां पे जो डिनोमीटर्स दिए हैं वो आपको सारे सेम करने होंगे। ओके, तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है वो हम देखेंगे। देखिए यहां पर हम राइट करेंगे 10, यहां हम राइट करेंगे 5 और यहां हम राइट करेंगे 2। क्लियर। तो देखिए 2 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 10 आपका आता है 5 टाइम्स में, 2 के टेबल 5 आता है आपका 9, तो 5 का 5 आप नोट कर दोगे एंड 2 के टेबल में 2 आपका कितने टाइम में आता है 1 टाइम में। अब यहां पे स्टूडेंट 5 है तो 5 के टेबल से चला जाएगा, सब जगह आपका क्या आ गया 1। तो देखिए 2 5 क्या होता है 10, तो आपका एलसीएम जो होगा वो आएगा 10। चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, नीचे सबको हमें डिनोमीटर को 10 बनाना है, तो 10 को हम 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, जो डिजिट से हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया उसी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आफ्टर प्लस 2 है और नीचे 5 है, सो 5 को 10 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मीन्स यहां पर जो डिजिट से मल्टीप्लाई करना है वही डिजिट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर प्लस 3/2। अब देखिए 2 को हमें 10 बनाना है तो 2 5 10, तो ऊपर भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे जो डिनोमीटर है वो सारे के सारे सेम हो जाएंगे। देखिए 7 7/10 हो गया 10 प्लस 2 2 4/10 प्लस 3 5 15/10। जब डिनोमीटर सारे सेम हो जाते हैं स्टूडेंट्स तब हम उसे ओनली 1 टाइम लेते हैं। ओके, और ऊपर वाले डिजिट को हम प्लस करेंगे 7 प्लस 4 प्लस 15, तो देखिए 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 15, तो 11 प्लस 15 आपका हो जाएगा 26/10। तो यहां 26/10 ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, नीचे हम राइट करेंगे 10, अब 10 के टेबल में 26 आता है स्टूडेंट्स, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 एंड 10 3 जा 30 होता है, 30 तो बिकॉज ज्यादा है तो हम 2 टाइम्स मिलेंगे 20, तो 26 में से 20 जाएगा तो यहां पर आपका आ जाएगा 6। तो यही इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स आंसर हो गया है। अब हम क्वेश्चन 6 देखेंगे स्टूडेंट्स। यहां पे हमें सीखना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर जो फ्रैक्शन दिया है वो आपका क्या है स्टूडेंट्स, तो मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सा है स्टूडेंट्स? मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए 3 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 प्लस करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2 अपॉन में जो लिखा है वो लिख लीजिए,
प्लस यहां पर भी वही करेंगे, पहले टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाई थ्री, और यहां पर प्लस उस कर लेंगे वन, अपॉन में आ जाएगा टू। ठीक है, तो देखिए थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में टू प्लस किया एट अपॉन थ्री, प्लस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन अपॉन टू। चलिए तो सिंपल बन गया आप लोगों का। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए टू मल्टी एट मल्टीप्लाई टू, तो यहां पे हम राइट करेंगे एट मल्टीप्लाई टू, मैं लॉन्ग में से समझा देता हूं। प्लस थ्री को सेवन से करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई सेवन, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री मल्टीप्लाई टू। सो एट टू जा सिक्सटीन, प्लस थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन एंड अपॉन सिक्स। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब आगे क्या करना है, सिक्स और वन सेवन, वन और टू थ्री अपॉन सॉरी थर्टी सेवन अपॉन सिक्स हो गया। अब ये भी आप लोगों को किस में दिया गया है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, इसे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम राइट करेंगे यहां पे सिक्स। अब देखिए सिक्स के टेबल में थर्टी सिक्स आता है, थर्टी सेवन नहीं आता, सिक्स टाइम में आप क्या आ गया थर्टी सिक्स, रिमेनिंग आपका क्या बचा स्टूडेंट्स वन, तो यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स आंसर हो गया है। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन एट आपको दिया गया है, अब क्वेश्चन एट में हमें क्या करना है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन एट आपको दिया गया है, सबसे पहले ये आपको कौन से फ्रैक्शन में दिया गया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, टू एट जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन, सिक्सटीन में वन प्लस किया तो क्या हो जाएगा आपका सेवनटीन अपॉन टू। इसे मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, उससे मैंने इसे प्रीवियस वाले सम को पूरे लॉन्ग में किया था। माइनस एट थ्री जा, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस फाइव तो आपका हो गया ट्वेंटी नाइन अपॉन में एट। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं फिर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको नहीं पता हो तो। पहले 17 को 8 से करेंगे, तो यहां पे हम राइट कर लेंगे 17 मल्टीप्लाई 8, तो देखिए 8 7 जा 56, तो 56 का आपका आएगा 6, 5 आपकी हो जाएगी कैरी, 8 1 जा 8, 8 में 5 प्लस किया तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 13, तो आपका यहां पे हो जाएगा 136। माइनस अब यहां पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 29, 29 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे हम तो आपका क्या आ जाएगा 58, तो यहां राइट कर दीजिए 58 अपॉन 28 जा, तो 28 जा आपका हो गया 16। क्लियर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स 136 में से 58 माइनस करना, तो देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, बाजू में से कैरी बोरो ले ली, 16 में से 8 गया तो 8, यहां पे आपका बचा 2, तो 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 5 जाएगा तो आपका रिमेनिंग बचेगा 7 अपॉन में आ जाएगा 16। चलिए ये भी आप लोगों को स्टूडेंट किस में दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे। यहां पे हम राइट करेंगे 16, अब 16 के टेबल में 78 आता है, तो 16 का हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, टेबल पढ़ना होगा। तो देखिए 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48 और 16 फोर जा आपका हो जाएगा 64। ठीक है, नहीं आता तो यहां पे कर लीजिए 16 फोर जा, तो देखिए 4 सिक्स जा 24, 4 टू कैरी, 4 वन जा 4, 4 टू 64, तो देखिए 64 आ गया। तो देखिए 78 में से आप 64 को माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 6 गया तो 1, तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 14, तो पहले हम राइट कर दीजिए 4 टाइम्स में और रिमाइंडर आपका हो गया 14। तो आप इसके बाद स्टूडेंट्स एक और स्टेप काउंट कर सकते हो, जैसे कि यहां पर जो डिजिट दी गई है, अगर कोई ऐसी डिजिट है जो दोनों के टेबल में आती हो, जैसे हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल में 14 आपका आ जाएगा 7 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 16 आपका आ जाएगा 8 टाइम्स में, तो हम आंसर लिखेंगे 4 7 अपॉन 8, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हेडिंग, तो आप इसे सॉल्व करके हम मुझे सेंड कर सकते हो।